उज्जैन शहर के पिपलीनाका क्षेत्र में गढ़कालिका मार्ग पर दिवंगत वन रक्षक मदनलाल वर्मा का परिवार रह रहा है। दरअसल मदनलाल वर्मा देवास जिले के बागली उपवन मंडल के पुंजापुरा रेंज की रतनपुर बीट में पदस्थ थे। आज से ठीक 3 साल पहले 4 फरवरी वर्ष 2021 को ड्यूटी के दौरान शिकारी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए टीम गठित की और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। घटना के 2 दिन बाद 7 फरवरी 2021 को शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का राशि, मृतक को शहीद के समकक्ष दर्जा, परिजनों को एक मकान व मृतक की प्रतिमा लगाई जाएगी। भले ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे हों, बावजूद इसके सरकार द्वारा अभी तक घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया। मृतक की पत्नी, बेटी, बेटा आज भी सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उज्जैन शहर से हैं, इसलिए अब परिवार की उम्मीदें और बढ़ चुकी है। बहरहाल आज मदनलाल वर्मा की मौत को 3 साल बीत चुके हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। परिजनों की आंखों में आज भी आंसू आप साफ साफ देख सकते हैं। आज ही का वो दिन था 4 फरवरी, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, और घोषणाएं सरकार द्वारा यही की गई थी कि आपको उसी वक्त उसी टाइम सरकार ने घोषणा की थी कि एक परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, एक मकान दिया जाएगा और शहीद का दर्जा दिया जाएगा, उनकी स्मारक बनाई जाएगी। पर अभी तक वो कोई भी मांगे हमारी पूर्ण नहीं हुई है। हम पूरा परिवार 3 साल से परेशान हो रहा है इधर उधर, पर शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं की। अभी तक उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई थी। अब हम चाहते हैं कि मोहन यादव जी जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री बने, वो हमारी ये सारी घोषणाएँ पूर्ण करें और हमारे परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें।